प्रिगोजिन वैगनर फोर्स के सुप्रीम थे, उन्होंने ही इस ग्रुप को बनाया और अब तक वही लीडर रहे। ऐसे में प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर लड़ाके बेलगाम घोड़े की तरह जो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, और यही वजह है कि इस वक्त रूस की खुफिया एजेंसियां यूक्रेन पर फोकस न करके वैगनर फोर्स पर नजर रख रही है। एक एक जानकारी, एक एक मूवमेंट नोट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर फोर्स मॉस्को पर अटैक कर सकते थे और इसी वजह से प्लेन क्रैश के फौरन बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और वैगनर्स को काबू में रखने के लिए रणनीति तैयार की गई है। ज्यादा पुरानी नहीं है ये तस्वीरें, जब वैगनर फोर्स ने रशियन आर्मी को चुनौती दी थी और कई जवानों का खून बहाकर मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। पुतिन और रूस की आर्मी के लिए ये सिर्फ बगावत नहीं बल्कि बहुत बड़ा सबक भी था। उसी सबक का असर था कि वैगनर्स बेलारूस भेज दिए गए और अब उसी सबक की वजह से वैगनर्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस की खुफिया एजेंसियों ने जो चेतावनी दी उसके बाद पुतिन ने तेजी दिखाई और वैगनर्स को कंट्रोल में रखने की रणनीति तैयार की गई। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर्स प्रिगोजिन की मौत के बाद बेहद गुस्से में हैं। प्लेन क्रैश की अलग अलग थ्योरी से वैगनर लड़ाके भड़क गए। रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने चेतावनी दी है कि वैगनर्स रूस के शहरों में हमला कर सकते हैं। पुतिन नहीं चाहते कि रूस में फिर ऐसी तस्वीरें दिखें, फिर ऐसे हमले हों और वैगनर्स और रशियन आर्मी एक दूसरे पर गोली चलाए। यही वजह है कि पुतिन ने वैगनर्स को काबू में रखने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने सबसे पहले शोक संदेश जारी किया। प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने दुख जताया, प्रिगोजिन से 4 दशक पुराने रिश्ते का हवाला दिया, युद्ध में वैगनर लड़ाकों के योगदान की तारीफ की। पुतिन ने शोक जता दिया कि प्रिगोजिन की मौत में उनका या उनकी सरकार का कोई हाथ नहीं है और ना ही क्रेमलिन वैगनर्स के विरोधी है। तेईस अगस्त के विमान हादसे की जांच का जिम्मा भी पुतिन ने हाई प्रोफाइल जांच अधिकारी को दिया है ताकि वैगनर भरोसा कर सकें कि जांच सही तरीके से होगी। पुतिन ने इवान सिबुला को जांच टीम का लीडर बनाया है। इवान सिबुला कई विमान हादसों के भी जांच कर चुके हैं। वैगनर्स ना भड़के इसलिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव से यह बयान दिलवाया गया। प्लेन क्रैश के महज कुछ घंटों के भीतर ही बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाके वापस रूस जाने की तैयारी में जुट गए थे। वैगनर्स ने अपने कैंप को भी हटाना शुरू कर दिया था। क्रेमलिन ने वैगनर लड़ाकों को अभी बेलारूस में ही रोके रखने का फैसला किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर्स को समझाया कि प्रिगोजिन से डील हुई थी कि वैगनर फाइटर्स बेलारूस में ही रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भले ही प्रिगोजिन की मौत पर शोक संदेश दे दिया हो लेकिन आधिकारिक तौर पर प्रिगोजिन के मारे जाने का अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। दलील दी जा रही है कि DNA जांच हो रही है। माना जा रहा है कि जांच के नतीजे आने में लगने वाले समय तक समर्थकों का गुस्सा शांत हो जाएगा। इस दौरान प्रिगोजिन के जिंदा रहने की थ्योरी को भी अलग अलग लेवल पर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है ताकि एक छोटी सी उम्मीद बनी रहे। रूस ने अपने सभी सुरक्षा एजेंसियों को वैगनर लड़ाकों एवं प्रिगोजिन के कट्टर समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा है। प्रिगोजिन को लेकर हो रही श्रद्धांजलि सभाओं पर नजर रखी जा रही है। हर हाईवे बॉर्डर पॉइंट पर अलर्ट जारी है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरी जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वैगनर्स लड़ाकों को रूस के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।